स्मार्ट बोर्ड ब्राइट। वाह यार, आज तो चमक रहा है पूरा दूध की तरह। मारना शॉट मुझे। वाह, ये देखो एक रेडी नहीं है। हाँ, इनमें से अच्छा ही हॉट। क्या ग्रूम किया हुआ है, ग्रूम ग्रूम से तो नहीं कराया हुआ है। परमेश्वर द्वार गुरुद्वारा जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे और बहुत अमेजिंग हमारे को वहाँ पर मजा आया था। और साथ साथ जो है हमारे जो बाबा जी हैं उनसे भी हमारे को मिलने का मौका मिला था। तो इस बार वो तो वहाँ पर अभी नहीं है, बट अर्शपाजी हैं और साथ साथ उनके प्यारे प्यारे जो सिमोइड हैं और प्यारे प्यारे जो डॉग्स हैं वो सभी वहाँ पर हैं। तो आज जाएंगे, उनसे मिलेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। सो ज़्यादा समय लेते हैं, चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। A few moments later. तो अभी फिलहाल जो है मैं पहुंच चुका हूं यहां पर परमेश्वर द्वार गुरुद्वारे के अंदर। और यहां के जो मतलब प्रॉपर प्रेमिसेस के अंदर जो जहां पर डॉग्स रखे हैं अभी मैं वहां पर आपको लेकर जा रहा हूं। अगर आपने यहां की पहले वीडियो नहीं देखी तो जो भाई साहब जी हैं उनके साथ हमने मिलके पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत मतलब मेरी दिल के बहुत करीब है वो वीडियो, वो आई बटन में आ रही है, वो आप चेक करना। तो अभी हम चलते हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे सुपरस्टार समॉइड बेबी ब्राइट से। आ जाओ। और अर्श पाजी और जसकिरत पाजी ऑलरेडी यहीं पर हैं। कैसे हो पाजी? बहुत बढ़िया, बहुत टाइम के बाद फिर से मुलाकात हुई है। हाँ जी, कैसे सर? वेलकम सर, वेलकम। गुड सर, बिग फैन सर। तो हम जिसका मैं असलियत में बहुत ज्यादा तगड़ा फैन हूँ वो है ये स्मार्ट बोर्ड ब्राइट। वाह यार, आज तो चमक रहा है पूरा दूध की तरह। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਮਕ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ ਇਸਕੀ? ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਯਾਰ ਇਸਕੋ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟ ਓਨਰ एक चीज आप ऑडियंस को बताएं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम लोगों को गलत गाइड करें, है ना। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या जो लोग शहरों में रहते हैं, क्या उनको आप ये ब्रीड सजेस्ट करोगे? लेकिन मतलब उसको करते हैं जो सही से देखभाल कर सकते हैं। ठीक है जी। जो मतलब जिसके पास एसी मतलब गर्मी बहुत गर्मी बहुत ज्यादा मानती है ब्रीड, चाहे ये है चाहे हस्की है, ये दोनों सर्दियों में रहने वाली ब्रीड है। पर अभी क्या है, बहुत टाइम से इधर ही ब्रीड हो रही है क्योंकि बहुत लोग इसको यहाँ पर अब ले आए हैं, है ना। और जैसे कि इसकी भी अभी लेटेस्ट लास्ट पपीज हुए थे जी, तो वो सारे के सारे पपीज कहाँ हैं? आप इधर ही अपने पास ही है। तो कितनी एज होगी उनकी? उनकी होगी तकरीबन 3-3.5 साल, 3.5 मंथ। मतलब वो आपने खुद ही रिटेन कर लिया अभी ऑलमोस्ट। वाह यार, तो ये देखो इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले तो जगह चाहिए अगर आपको इतने सारे डॉग्स रखने हैं, और स्पेशली अगर आपको सिमोइड रखने हैं तो यार इतना तो प्रबंध होना चाहिए कि फुल 24 आवर्स आप उसको कम से कम एसी दे सको, एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर सको, राइट। भाई अभी फिलहाल इसको नेक्स्ट कौन से डॉग शो में लेके जा रहे हैं? अगला जो भी होगा शो। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो अभी बारी है हम ब्राइट के जो है पपीज दिखाते हैं, और साथ साथ जो ब्राइट की गर्लफ्रेंड है उसको भी मिल पाते हैं, है ना, है ना ब्राइट। आई यार कसम से मेरे को मतलब इतना मन कर जाता है ना ब्राइट से मिलके से मॉड रखने का, बस फिर मैं उस वजह से रुक जाता हूँ बिकॉज इस ब्रीड को टाइम प्लस टेम्परेचर और प्लस इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी खासी है, इसकी कोट को ध्यान रखना। अगर अर्श पाजी ये चीज़ कर पा रहे हैं ना तो आप एक चीज़ समझ लिए कि ही इज़ अ वेरी बिग डॉग लवर, और पूरा टाइम ये जो है अपना इन बच्चों को देते हैं, इनकी ग्रूमिंग, इनको नहलाना, इनके साथ एक दो बंदा और लगता है तब जाके पूरे दिन में इनको सब चीज़ें मेंटेन होती है। ये सिर्फ दिखने में आसान लगता है कि डॉग रख लिया और अच्छा मेंटेन लग रहा है, बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। ओके गाइस, तो अभी आ चुके हैं हमारे ब्राइट के प्यारे प्यारे पपीज, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया यार। वाह, अरे भाई साहब क्या बात है, कितने ज्यादा यार, कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं ये डॉग। पाजी इनको इस टाइम जो है आप क्या मतलब डाइट दे रहे हैं? बिकॉज जिस हिसाब से मैं देख सकता हूँ अच्छे खासे हेल्दी हैं, क्या डाइट दे रहे हैं? डाइट नॉर्मल दे रहे हैं। डॉग फीड देते हो आप? हाँ जी, डॉग फीड दे रहे हैं। ते जिद्दा मतलब आप तैयार करके चावल हो गए या पनीर हो गया, ये दही वगैरह। बहुत सही, बहुत सही। ये देखना, हाँ देखो, देखना। अच्छा हाँ, ये देखो समोइड रखने के सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट। भाई इसीलिए बुली में हम। ये पॉइंट है, हाँ इसीलिए बुली। उसको देखना, इसको छोड़ना भाई, इसको छोड़ना। इसमें कितने मेल हैं इनमें? 3 फीमेल, 1 मेल है। ओए ओए आ जाओ,
बिल्कुल यार सेम टू सेम ब्राइड जैसे हैं। ओए बेबी क्यूट बेबी। इसको प्यार करके ऐसे लगते हैं इनके कोट कितने ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा वैसे इन डॉग्स के लिए ना अगर कोई वाइट कलर का है तो इनके लिए हमारे कैनोफिलिया का वाइट एंड ब्राइट शैम्पू आता है जो कि ये भी यूज़ करते हैं। सो आप जो है वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर सकते हो। प्यार कर रहे हैं मुझे यार। आ जा देखा तो ये होती है पपी थेरेपी। और अगर आपका मूड खराब है तो आप गली के किसी डॉग के पास जाके मुँह चटवा लो, मूड ठीक हो जाएगा आपका। फ्रेंच की फ्रेंच बुलडॉग की किस्त तो नहीं। वाह तो अभी इसके बाद जो दो रह गए उनको भी बुला लो यार, वो बेचारे कहाँ हैं। अच्छा इधर आना। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, इसके यहाँ से मुंह ज़्यादा वाइट है और उसके बाद यहाँ से ऑफ वाइट हो जाता है ना, ये सीन है ना। तो लो जी जो दो रह गए थे वो भी आ गए और इनमें से एक तो देखना हेयर स्टाइल बनवा के आया है। छोड़ना इनको, अरे यार कितने ज़्यादा प्यारे हैं देखो। ये देखो एक रेडी नहीं है। हाँ इनमें से अच्छा इसकी अभी ग्रूमिंग वगैरह करनी थी, इसको सिर्फ लाया है। भाई अभिषेक को तंग कर रहे हैं, ये देखो अभिषेक के पीछे बढ़ गए अब। हाँ ग्रूम ग्रूम में इनमें इनके ग्रूम ग्रूम में कराएंगे ग्रूमिंग। वाओ कितने ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा गाइस बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें सभी के साथ। और सिमोइड बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत ज़्यादा प्यारी ब्रीड है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सिमोइड आप तभी ले जब आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, जब आप उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनको एक अच्छा ठंडा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और स्पेशली अगर आप पहाड़ों के करीब रहते हैं जहाँ पर गर्मी कम होती है तो उन्हीं लोगों के लिए ब्रीड मैं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ये ब्रीड बहुत ठंड सह सकती है। तो गर्मी आप समझ रहे हो कि बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मियों में इनके लिए। और वो देखना अब ये गंदे होने जा रहे हैं मिट्टी में। ओए आजो 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 आजो। ओए ओए क्यूटी पाई इतने सारे डॉग्स रखना आसान तो नहीं है गाइस, ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। जसकिरत भाई ग्रूम ग्रूम में ऐसे वाइट निकाल दोगे आप डॉग्स को? इससे भी ज़्यादा, इससे अच्छा। निर्मा से तो नहीं ला रहे ना ग्रूम ग्रूम में, कैनोफिलिया यूज़ कर रहे हो ना फिर, ठीक है। वाओ तो गाइस अभी आ चुकी है फाइनली इनकी जो है अम्मा, इनकी अम्मा। ओए 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 माय गुडनेस, ओए माय गुडनेस। वाओ होप, तो आपने लास्ट वीडियो में भी इसको देखा होगा, होप के बच्चे हैं, होप और ब्राइट के। हेलो होप। स्लो जी, ओ देखो 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 भाई ये देखना, यहाँ पे पूरे दिन बस ये चलता रहता है। हेलो होप, हेलो बेबी। वाओ यार होप बहुत सुंदर है ना होपी, होप इज़ अ क्यूट गर्ल। वो देखो होप के साथ, ओ माय गॉड। अच्छा एक चीज़ गाइड्स नोटिस करना, ये इतना जगह है, पूरी पीछे बाग भी है, ये सभी इन्हीं के लिए है। ये पूरे दिन ऐसे खुले घूमते रहते हैं, इधर मस्तियाँ मस्तियाँ करते रहते हैं, तो तंग तो हो ही जाते होंगे भाजी एक टाइम के बाद यार, है ना। नहीं नहीं ठीक है अभी। अच्छा अभी इसके पूरा दिन निकल जाता है। इनके अलावा और कौन कौन से डॉग्स अब है अपने पास इधर यहाँ पे? एक तो अमेरिकन बुली है। अच्छा जो भाजी ने दिया उंगली, अमेरिकन बुली करते उंगली उधर चली जाती है। नहीं वो बताएंगे वो कौन क्या चीज है। लो उंगली कर रहे हो मेरे को, ये तुसी नहीं। ओके और उससे अलावा एक कोकर है। ओके कोकर मेरे ख्याल से वही है जो भाई साहब जी हमारे जो है उनको बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है, उनका है वो फेवरेट डॉग है उनका, है ना, पर्सनल उनका डॉग है। सो गाइस अभी जो मैं आपको डॉग दिखाने वाला हूँ वो है कोकर स्पाइनियल, जो मैंने पहले बहुत कम कवर करा है। और स्पेशली इसकी सबसे खास बात क्या है, ये हमारे जो बाबा जी हैं उनका पर्सनल फेवरेट डॉग है, मतलब सारे फेवरेट है ऑब्वियसली, बट जिसके साथ एक होता ना, जैसे अब मैं घर पे जब मैं लाड़वा होता हूँ ओरियो के साथ, इधर होता हूँ तो मिमी के साथ मेरा ज़्यादा प्यार है, वैसे इसके साथ सबसे ज़्यादा प्यार है। ओह माय गॉड क्या ग्रूम किया हुआ है, ग्रूम ग्रूम से तो नहीं कराया हुआ है। अगली बार कराएंगे। वाह यार क्या नाम है इसका? इसका नाम मीठा। मीठा जी। वाह 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 कौन सा कलर है उसका? ये कुछ नहीं बताओ। वाह यार ये सही है, छोड़ना इसको नीचे छोड़ते हैं, ये बाबा जी बताएंगे। वाह यार देखने से इसकी, ओह माय गुडनेस। वाह यार व्हाट अ डॉग गाइस, व्हाट अ डॉग। मीठा
चला दिखा। सो लो जी, साथ ही साथ आ चुका है अमेरिकन बुली। इसका नाम क्या है? अमेरिकन बुली और अमेरिकन कॉकर। हाँ, ये ठीक है, दोनों अमेरिकन है। ये नाम क्या है इसका? इसका बॉस। बॉस, हुक्म का इक्का बॉस। वाह यार, ये लास्ट टाइम भी दिखाया था ना हमने, पर छोटा था उस टाइम। हेलो, काटा तो नहीं? वैसे अमेरिकन बुली बहुत कम ही देखी है मैंने, तो अभी अमेरिकन बुली किंग को बुलाएंगे, जो कि हमारे को इसके बारे में बताएंगे कि इसका क्या सीन है ना। बाकी ये तो बहुत ज़्यादा क्यूटी पॉइंट है। ओए ओए, हाँ अच्छा, ये बहुत प्यार है, तभी तो बाबा जी को इतना प्यार है इससे। ये ऐसे है ना, प्यारी हरकत तो करता। गुड बॉय, गुड बॉय। वैसे ये जो ब्रीड है बहुत अच्छी रखवाली भी करती है ना, बहुत सारी चीज़ें इसकी क्वालिटीज़ हैं पर्सनल। है हमारी एक, मतलब हमारे जसकीरत भाई की कड़ी प्रतिज्ञा, वो होते हैं ना, परीक्षा लेने वाले हैं। इधर अमेरिकन कोकर स्पैनियल है, इधर अमेरिकन बुली है। अब इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करो भाई। भाई इससे ऊपर तो कुछ नहीं। अब भाई देख लो, अभी अगर अगर नेक्स्ट टाइम ये ग्रूम ग्रूम सेट इसको ग्रूम करवाएंगे, नहीं उससे ऊपर कुछ नहीं। सबसे एक्सोटिक उस टाइम का जब ये प्रोड्यूस हुआ, बहुत अच्छा। टोटली इसके जो भाई बहन थे वो बॉम्बे गए थे। सही है, बहुत सही, उसको देख रहा पीछे। इतना प्यारा शक्ल बनाता ना, ये भी अमेरिकन है। इतनी कोकर है, इतनी क्यूट शक्ल बनाता है ना ये। अमेरिका से होगा ना? दोनों भाई भाई हैं, एक कैलिफोर्निया से है और एक न्यू जर्सी से। ये मियामी से है। सो गाइस, विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और हाँ, पाजी को और बाकी सभी डॉग्स की आईडीज हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, सो मेक श्योर टू फॉलो देम। और कोई भी आपको कुछ भी क्वेरीज रिलेटेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है पाजी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये देखना, ये उधर भाग गए। वाह यार, और यार ये जो बोटैनिक गार्डन है ना, ये तो मतलब दिल ले गया मेरा यार, क्या बात है। बाय मिठे। ओए ओए ओए।